आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। इफ 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ H2SO4, नॉर्मैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, और यहां पे इसके हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नॉर्मैलिटी निकालनी है ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ H2SO4 इन, और उस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू N फैक्टर। ठीक है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू N फैक्टर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोलारिटी निकाल लेते हैं ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक H2SO4 का सॉल्यूशन गिवन है, इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन में जो H2SO4 है दिस इज सॉल्यूट। ठीक है, तो अब हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ H2SO4 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है विच इज 10 grams। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। अब मॉलिकुलर वेट H2SO4 का हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इस मॉलिकुलर फॉर्मूले में हमारे पास है दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 gram per mole, एक सल्फर का एटम है, ओके, और एक सल्फर के एटम का एटॉमिक मास होता है 32 gram per mole, प्लस यहाँ पे चार ऑक्सीजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास होता है 16 gram per mole। ठीक है, विच गिव्स अस इन टोटल ऑफ 98 gram per mole विच इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इसे यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज 10 डिवाइड बाय 98। ठीक है, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये भी हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है विच इज 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसे हम लोग लीटर में चेंज कर लेते हैं। लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स 100/1000 liter विच इज इक्वल टू 0.1 liter। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, इसे 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 milliliter होता है 1/1000 liter के बराबर, तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मोलारिटी विल बी 10 डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1.02। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम लोग n फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें n फैक्टर निकालना है H2SO4 के लिए। सो H2SO4 इज एन एसिड एंड फॉर एसिड्स n फैक्टर इज देयर बेसिसिटी, या ऐसे लिख सकते हैं फॉर एसिड्स the value of n factor is equal to their basicity, their value of basicity, and for bases the value of n factor is equal to their acidity। ठीक है, तो बेसिसिटी का मतलब होता है बेसिसिटी फॉर एन एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H+ ions दैट पर्टिकुलर एसिड फर्निशेस इन एक्वस मीडियम, एंड एसिडिटी ऑफ अ बेस इज नंबर ऑफ OH- ions दैट पर्टिकुलर बेस फर्निशेस इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास H2SO4 है। ठीक है, तो H2SO4 को जब हम लोग एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये 2 moles ऑफ H+ एंड 1 mole ऑफ SO4 2- फर्निश करेगा। इसका मतलब कि 1 mole ऑफ H2SO4 फर्निशेस 2 moles ऑफ H+ इन एसिडिक सॉरी इन एक्वस मीडियम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका बेसिसिटी है H2SO4 की 2, मतलब n फैक्टर की वैल्यू होगी 2। ठीक है, तो हमारे पास n फैक्टर का भी वैल्यू आ गया एंड मोलारिटी का भी वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो बस अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मैलिटी निकाल लेते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला।
नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी की वैल्यू है 1.02 एंड एन फैक्टर की वैल्यू है 2 व्हिच गिव्स अस 2.04. तो नॉर्मैलिटी की वैल्यू क्या हुई 2.04, मतलब दिस सॉल्यूशन इज 2.04 नॉर्मल. अब इसे हम लोग ऑप्शन से चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है इट इज ऑल्सो गिवन 2.04 नॉर्मल, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.